के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए। दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। राज्य में 42,000 प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र आज से दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद कहीं ना कहीं वो घड़ी आ चुकी है जबकि नियुक्ति पत्र जो है अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, नियुक्ति पत्र उनके हाथ में होगा। बुधवार को सूरज करीब 42,000 प्रारंभिक दे सकते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए उम्मीद लेकर आएगा। तो देख सकते हैं कि बुधवार का जो सूरज है वो 42,000 प्रारंभिक शिक्षकों के लिए उम्मीद किरण लेकर आ रहा है क्योंकि इन शिक्षकों को करीब 32 माह का इंतजार खत्म होगा, उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा या नियोजन इकाइयों के सदस्य को देना होगा। दे सकते हैं कि 32 माह का इंतजार खत्म हुआ, नियुक्ति पत्र मिलने के साथ ही हो जाएगा विद्यालय आवंटन। 23 फरवरी से प्रारंभिक शिक्षक पद पर चयनितों को नियुक्ति पत्र मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हम लोगों ने सभी जिलों से यथाशीघ्र इसे पूर्ण करने का आग्रह किया है, संजय कुमार। तो संजय कुमार ने भी देखिए ट्वीट करके जानकारी दी है कि आज कहीं ना कहीं एक लंबा इंतजार जो है वो समाप्त होता हुआ नज़र आएगा। तो देख सकते हैं गाइस, पूरी की पूरी अपडेट यहाँ पर दी गई है और आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि 42,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को आज जो है वो नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। वहीं आगे हम बात करें तो देख सकते हैं सबसे अधिक दरभंगा में 4,794 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। तो दरभंगा में देखिए 4,794 शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है, तो अच्छी खबर है क्योंकि बहुत लंबे अरसे से जो बहाली है वो फंसी पड़ी हुई थी, कभी कोर्ट के माध्यम से, कभी फंसाओ गैंग के माध्यम से। तो इस प्रकार से अब कहीं ना कहीं बहाली जो है वो खुलती हुई भी नज़र आएगी। सबसे अधिक दरभंगा में 4,794 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता होगा साफ। वहीं देखिए एसटीटी रिजल्ट की अगर हम बात करें तो एसटीटी 2019 का रिजल्ट कार्ड कार्यालय को कहीं कहीं कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है जबकि कहीं पे जो है वो रिजल्ट कार्ड मिलना भी शुरू हो गया है। तो कैसे कैसे आपको रिजल्ट कार्ड मिलेगा, कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज आपको लेके जाने हैं, इसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो बना के आपको भेज दिया है। तो जल्द से जल्द आप सभी लोग जो है अपना रिजल्ट कार्ड प्राप्त कर लें, ठीक है। आगे देखिए लगातार ट्वीट और रिट्वीट का मामला जो सामने आया है, ट्वीट का रिप्लाई जो है यहाँ पे रजनीश कुमार जी ने कहा है और कहा है कि अभी फैसला नहीं हुआ है, फैसला आने तक इंतज़ार करें। अभी फैसला नहीं हुआ है और फैसला आने तक निश्चिंत रहें, सीएम सहमत नहीं होंगे तो फैसला असंभव है, इसलिए कुछ दिन की बात है, वेट एंड वॉच। सूचना देना मेरा काम है लेकिन अभी फाइनल कुछ भी डिसीजन आना बाकी है, बाकी सभी समझदार और शिक्षित हैं। तो देख सकते हैं रजनीश कुमार ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि सूत्रों के मुताबिक एक खबर जो आ रही है उस खबर से ये बात तो स्पष्ट हो रही है कि सुपर टीटी जो है वो होने के मूड में, यानी कि सुपर टीटी जो करवाने के मूड में है शिक्षा विभाग, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अभी फैसला नहीं हुआ है, इन्होंने कह दिया है। और देखिए लिखा है कि अभी इंतज़ार करना ज़रूरी होगा क्योंकि फैसला अभी बाकी है। आप लोगों के लगातार आ रहे रिट्वीट पर सूत्रों के हवाले से जानकारी साझा कर रहा हूं कि बिहार में आगे शिक्षक बहाल यानी कि जो 7वां चरण है प्रक्रिया में बड़े बदलाव हो सकते हैं। यूपी की तर्ज पर बिहार में भी हो सकता है सुपर टेट, इसको लेकर अलग से बनाई जाएगी कमेटी। तो देख सकते हैं यहाँ कह दिया गया है कि यहाँ पर अलग से जो है वो कमेटी बनाई जाएगी और कह दिया गया है कि अब एक ही फॉर्म फिलअप करने पर ऑप्शन कई होंगे, बदलाव के प्रस्ताव का अंतिम फैसले पर सहमति बाकी सहमत होंगे होने पर सीएम नीतीश खुद कर सकते हैं बजटीय घोषणा। तो दे सकते हैं कि बजट यानी कि 25 फरवरी को जो है एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ सकती है, सीएम नीतीश कुमार जो है बड़ा फैसला जो ले सकते हैं इस पे। और दे सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि फैसला होना बाकी है, ऐसे में अभी कहा गया है कि सभी लोग धैर्य बना के रखें। तो सीएम नीतीश कुमार खुद कर सकते हैं बजटीय सत्र में घोषणा। इस प्रक्रिया में बदलाव के बाद भी 7वें फेज की बहाली जल्द शुरू करने का लक्ष्य सूत्र है, फैसला होना अभी बाकी है। तो देख सकते हैं गाइस, कह दिया गया है कि जो फैसला है वो होना अभी बाकी है, ठीक है। तो बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है और
सातवें चरण में नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए विभाग की कवायद अब कहीं ना कहीं तेज होने जा रही है। तो सूत्रों के हवाले से खबर है, अब देखते हैं कि क्या ये खबर कितनी सही सटीक होती है। फिलहाल तो हमें इंतज़ार करना होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना देख सकते हैं, वहाँ से भी खबर आ रही है कि सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर 3, 4 और 5 मार्च को धरना प्रदर्शन होगा। तो देख सकते हैं कि अब सातवें चरण की बहाली को लेकर कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जारी कराने के लिए अब कहीं ना कहीं अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं कि पश्चिम चंपारण मुरारी कुमार के एक तरफ छठे चरण का शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के वादा खिलाफी को लेकर सातवें चरण की राह देख रहे शिक्षकों ने धरना प्रसंग में एकजुटता दिखाई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने हमें छठे चरण से वंचित किया तथा वादा किया गया था कि मार्च में शिक्षक बहाली की नई प्रक्रिया अर्थात सातवां चरण शुरू किया जाएगा, किंतु अभ्यर्थियों का कहना है कि अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार बहाली को लटकाना चाहती है और लटकाने का प्रयास कर रही है। अब तक देख सकते हैं सातवें चरण की आस में बैठे इन अभ्यर्थियों को आंतरिक रूप से बिहार के पटना में आंदोलन करने के लिए सभी अभ्यर्थी एकजुट हो रहे हैं। इसके एवज में उन्होंने 3, 4 और 5 मार्च को धरना प्रदर्शन करने की बात रखी है। अगर सरकार अपने वादे को पूरा करने हेतु सातवें चरण की शिक्षक बहाली के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तो देख सकते हैं गाइस डेट दे दी गई है कि 3, 4, 5 मार्च को जो है बड़ा आंदोलन हो सकता है। तो देख सकते हैं कि भाई सूत्रों से खबर तो आ रही है कि राज्य में बहाली से प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दिया जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कब तक दिया जाएगा। सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की घोषणा बजट सत्र में ही संभव होगी, यानी कि कह दिया गया है कि जो बैठक आपकी होने वाली है, यानी कि जो भी 25 फरवरी को जो बैठक होने वाली है उस बैठक में कुछ पॉजिटिव जो है अपडेट आ सकते हैं। कहा गया है कि शिक्षक नियोजन की आस में बैठे युवाओं के लिए अच्छा समाचार यह है कि 25 फरवरी से शुरू हो रहे विधानमंडल के बजट सत्र में सातवें चरण के शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर हो सकती है बातें। ठीक है, तो अच्छी अपडेट है। अब देखना यही होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि भाई नियुक्ति प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे लिखा कार्यालय आदेश। इस कार्यालय में पत्रांक देखिए लिखा 12/49 दिनांक 17/2022 के द्वारा वैसे चयनित अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्र अथवा अन्य बिंदुओं को निगरानी विभाग बिहार पटना से जाँच कराने के आदेश उप सचिव बिहार विद्यालय पर्चा समय क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा द्वारा दी गई है। उक्त संदर्भ में संबंधित के नियुक्ति पत्र के वितरण पर तत्काल रोक लगाई गई है। तो देख सकते हैं कई जगह से ये अपडेट भी आ रही है कि जो नियुक्ति पत्र वितरण है उस पर रोक भी लगाया गया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पंडोल को विशेष दूत बनाकर निगरानी कोषांग बिहार विद्यालय परिषद समिति के जाँच कराने हेतु भेज दिया गया है। देख सकते हैं कई जगह गड़बड़ियों का मामला सामने आया है, जहाँ पर रोक भी लगाई गई है। ठीक है, तो हर जगह से लेटर जारी हो रहा है। समस्तीपुर से हुआ है कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 19-20 के अंतर्गत विभागीय अधिसूचना ज्ञापन यहाँ पर दिया गया है। दिनांक 15/2022 को कंडिका 3 में अंकित है कि जिन अभ्यर्थियों का शिक्षक पात्रता परीक्षा बीटेट बी सीटेट की जांच हो चुकी है उन्हें दिनांक 23/2022 को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। अब देख सकते हैं कह दिया गया है कि भाई जिनकी जाँच प्रक्रिया पूर्ण हो गई है उनको नियुक्ति पत्र यथावत दे दिया जाएगा। आगे लिखा है बीटेट प्रमाण पत्र सत्यापन विभाग के प्राप्त पेन ड्राइव में डाटा एवं सीटेट प्रमाण पत्र का सत्यापन बोर्ड के वेबसाइट से कराया गया। प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में निम्नलिखित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र त्रुटि पाई गई तो जो निम्नलिखित है। तो देख सकते हैं बड़ी अपडेट आ रही है। पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए गाइस। वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद।